बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सिवान। संपर्क नंबर 8399-43-151। सर आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक, मैं आपके साथ मनीष कुमार। बिहार में सियासी हलचल के बीच अब नीतीश कुमार का हाल ही में दिया गया बयान सामने आया है। पहले बयान सुनिए, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं खबर। समझ गए ना? क्यों ना बताइए सर, आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई सर? नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है आपको? बीजेपी का क्या गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था, वही खराब लग रहा है, इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी, वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। अवसरवादी है आपकी? भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे, आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। जैसा कि आपने बयान में देखा, नीतीश कुमार ने कहा कि जो राजद के विधायक या जो उनके कार्यकर्ता थे और जितने भी उनके बड़े बड़े मंत्री थे, वो काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने एक बड़ा बदलाव किया था अपनी ही पार्टी के अंदर। जदयू के जो पहले अध्यक्ष थे ललन सिंह, उनको हटा दिया और खुद उनके पद पे फिर से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे बैठ गए। बताया जाता है कि ललन सिंह ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो लालू से करीबी उनकी बढ़ रही थी। हाल ही में बताया गया कि ललन सिंह के अलावा जितने और जो विधायक थे या मंत्री थे, वो इस बात से नाखुश थे कि आरजेडी के साथ वो हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी चाहते थे कि आरजेडी से नाता तोड़े, लेकिन ललन सिंह नहीं चाहते थे। इसी कारण नीतीश कुमार ने समझा कि अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं तो उनको ऐसा हो सकता है कि पार्टी टूट सकती है, इसलिए उन्होंने कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले आपने खबर देखी होगी कैसे ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हटा दिया गया, फिर वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ग्रहण कर लिए। तो इसीलिए आपने देखा कि अंदर, मतलब हर साल लगभग 10वीं बार है जब मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे नीतीश कुमार, और अब तक 6 बार गठबंधन तोड़ चुके हैं नीतीश कुमार, मतलब बात करें तो 6 times, ऐसा पहला कोई मुख्यमंत्री होगा भारत के इतिहास में जो इतनी बार गठबंधन में आया, इतने कम टाइम में, इतने कम टेन्योर में इतना ज्यादा बार मुख्यमंत्री ही बना। और एक सबसे दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार पिछले 18 साल से एक बार भी चुनाव नहीं लड़े, बिना चुनाव लड़े इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहना भी, ये भी अपने आप में दिलचस्प कहानी है, क्योंकि नीतीश कुमार MLC से जाते हैं, दो सीट जैसे अपर हाउस लोअर हाउस होते हैं भारत में,
वैसे राज्य में भी अपर हाउस लोअर हाउस होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से नीतीश कुमार को सिलेक्ट किया जाता है, वहां से वो मुख्यमंत्री के दावेदार बनते हैं। तो देखते रहिए न्यूज इंडिया तक, तब तक के लिए धन्यवाद मनीष को। शुगर, गठिया, सफेद दाग, पुरुषों में कमजोरी, शुक्राणु की कमी, पीसीओजी व निसंतान दंपति स्वस्थ एवं खुशहाल जिंदगी के लिए मशहूर आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सक डॉक्टर MS हक मेडल एवं अवार्ड से सम्मानित, कई वर्षों से आपके शहर में सेवा दे रहे हैं। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें।